उषा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा में अगले 3 से 10 सालों में हजारों नए हाउसिंग यूनिट्स की तामीर का अजम। ट्रूडो का ऑन्टेरियो के शहर वॉन के साथ $59 मिलियन का मुहायदा। फंडिंग अगले 3 सालों में 1,700 नए हाउसिंग यूनिट से ज्यादा तेजी से ट्रैक करेगी। कनाडा में पाकिस्तानी नजात खानदान का कत्ल। क्राउन ने नथानियल वेल्च मैन के खिलाफ मुकदमा बंद कर दिया। दिफा मंगल को अपना पहला गवाह पेश करेगा। टोरंटो में रिकॉर्ड तोड़ गर्म मौसम के एक हफ्ते के बाद मौसम में तब्दीली। जुमेरात की शाम से शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला हफ्ते भर जारी रहने का इम्कान। वीक से दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान। शाम की फौजी एकेडमी में ड्रोन हमला। 100 से ज्यादा अफराद जा बहक। फौजी एकेडमी पर हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की। 12 साल खाना जंगी के दौरान ये ड्रोन हमला सबसे मोहलिक तरीन है। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Canadian Vazir Azam Justin Trudeau ka kehna hai ki unki hukumat ne agle 3 se 10 saalon mein hazaron naye housing units ki taameer ko tezi se track karne ke liye ऑन्टेरियो के शहर वॉन के साथ $59 मिलियन का मुहायदा किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि उनकी हुकूमत ने अगले 3 से 10 सालों में हजारों नए हाउसिंग यूनिट्स की तामीर को तेजी से ट्रैक करने के लिए ऑन्टेरियो के शहर वॉन के साथ $59 मिलियन का मुहायदा किया है। ये मुहायदा ऐसा दूसरा मुहायदा है जिस पर लिबरल हुकूमत ने अपने हाउसिंग एक्सेलरेटर फंड के तहत दस्तखत किए हैं। एक मीडिया बयान के मुताबिक फंडिंग अगले 3 सालों में 1,700 नए हाउसिंग यूनिट से ज़्यादा तेज़ी से ट्रैक करेगी और अगली दहाई में 40,000 से ज़्यादा घरों की तामीर में मदद करेगी। ट्रूडो ने वॉन में गुफ्तगू करते हुए कहा, ये यहाँ वॉन में वाकई ताकतवर होने जा रहा है, लेकिन हमें इस किस्म की सोच, इस किस्म की क़यादत पूरे मुल्क में देखने की ज़रूरत है। वॉन के मेयर स्टीवन डेल डॉका ने इस ऐलान को अपने शहर के लोगों के लिए गैर मामूली करार दिया। डेल डॉका ने कहा, हमारे शहर में ये सरमायाकारी करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बात को यकीनी बनाने में मदद करने के लिए कि हमारे पास उन लोगों के लिए ज़्यादा सस्ती और काबिल रसाई रिहाइश के इख्तियारात हैं जो इस नाकाबिल यकीन कम्युनिटी को घर कहते हैं। ट्रूडो ने कहा कि यह मुहायदा पब्लिक ट्रांजिट के करीब हाई डेंसिटी हाउसिंग की तामीर की इजाज़त देगा। एक हुकूमती बयान में कहा गया है कि यह मुहायदा अपार्टमेंट्स और सस्ती रिहाइश की तामीर को भी तरजीह देगा, तरक्की को तेज़ करने के लिए पुराने इजाज़त नामे के निज़ाम को ठीक करेगा। डेल डॉका ने कहा कि इसका लफ्जी मतलब ये होगा कि वॉन में हमारी गैर मामूली टीम हमारे सिस्टम को बेहतर बनाने और एप्लीकेशंस को तेज़ी से और बग़ैर किसी रुकावट के निमटाने में मदद कर सकती है। क्राउन ने नथानियल वेल्च मैन के खिलाफ मुकदमा बंद कर दिया, जिस पर लंदन ऑन्टेरियो में मुस्लिम खानदान को दहशतगर्दी के हमले में कत्ल करने का इल्ज़ाम है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। क्राउन ने नथानियल वेल्च मैन के खिलाफ मुकदमा बंद कर दिया, जिस पर लंदन ऑन्टेरियो में मुस्लिम खानदान को दहशतगर्दी के हमले में कत्ल करने का इल्ज़ाम है। विंडसर की अदालत ने लंदन के रिहायशी, पुलिस, कैब ड्राइवर समेत 19 गवाहों को सुना।
दिफा मंगल को अपना पहला गवाह पेश करेगा। नैथनियल वेल्ट मैन के कत्ल के दहशतगर्दी के मुकदमे में सिर्फ 4 हफ्तों के अंदर वली अहद ने जुमेरात को 6 जून 2021 को लंदन ऊंट में एक मुसलमान खानदान को टारगेटेड हमले में कत्ल करने वाले 22 साल मुलजिम के खिलाफ अपना मुकदमा बंद कर दिया। अदालत मंगल की सुबह 10 बजे दोबारा शुरू होगी, तकरीबन 1 माह के शवाहिद के बाद। इस्तगासा ने जुमेरात को लंदन के एक शख्स के कत्ल और सफ़ेद फाम कौम परस्त दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाने वाले हिट एंड रन हादसे में मुकदमा चलाया, जिसमें एक पाकिस्तानी मुस्लिम खानदान के 4 अफराद हलाक हुए थे। मुकदमे की कार्रवाई, जिसकी तवक्को थी कि 8 हफ्ते चलेगी, विंडसर में ऑनटेरियो सुपीरियर कोर्ट में ज्यूरी के इंतखाब के बाद 11 सितम्बर को शुरू हुई। इस्तगासा ने 19 गवाहों को बुलाया, जिनमें शुमाली मगरबी लंदन के रहायशी जिन्होंने हमला देखा, टैक्सी ड्राइवर जिससे मुलजिम ने रब्ता किया और 911 पर कॉल करने को कहा, पुलिस अफसरान जिन्होंने गिरफ्तारी के बाद वेल्टमैन के साथ मामला किया और वो जासूस जिसने पुलिस हेडक्वार्टर में घंटों उसका इंटरव्यू किया। ज्यूरी ने इन अफसरों की गवाही भी सुनी, जिन्होंने मुलजिम के लंदन अपार्टमेंट की तलाशी ली और इलेक्ट्रॉनिक्स को जब्त किया। साथ ही एक सार्जेंट जो डिजिटल फॉरेंसिक का माहिर है और एक लैपटॉप, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, 2 USB थंब ड्राइव्स और एक सेलफोन के मवाद का तजिया किया, जो तफ्तीश कारों को मिला। मुकदमे की समाअत तवील थैंक्सगिविंग डे वीकेंड के बाद तक जारी रहेगी और मंगल को जारी रहेगी, जब ज्यूरी यह सुनेगी कि आया वेल्टमैन के दिफाई वकला क्रिस्टोफर हिक्स और पीटर किस्टन किसी सबूत में दाखिल होंगे। दिफा को किसी सबूत या गवाह को बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कनाडा के निजाम इंसाफ में अपना मुकदमा साबित करने का बोझ क्राउन पर है। वेल्ट मैन पर फर्स्ट डिग्री कत्ल की 4 गिनती और कत्ल की कोशिश की 1 गिनती के साथ साथ दहशतगर्दी से वाबस्ता इल्जामात का इल्जाम है। दिफा ने एतराफ़ किया है कि वो सियाह रंग का डाज राम पिक अप ट्रक चला रहा था, जिसने लंदन में फॉन्शावे पार्क और साउथ कैरेज सड़कों के चौराहे पर अफजल खानदान को टक्कर मारी। टोरंटो में रिकॉर्ड तोड़ गर्म मौसम के 1 हफ्ते के बाद मौसम में तब्दीली के साथ बारिश और सर्द दिनों का सिलसिला शुरू होने वाला है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोरंटो में रिकॉर्ड तोड़ गर्म मौसम के 1 हफ्ते के बाद मौसम में तब्दीली के साथ बारिश और सर्द दिनों का सिलसिला शुरू होने वाला है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक शहर का इस हफ्ते का मौसम गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, जब दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जा सकता है। जुमेरात की शाम से शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला हफ्ते भर जारी रहने का इम्कान है। इस वीकेंड पर शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत हफ्ते के रोज 16 और कम से कम दर्जा हरारत इतवार की रात 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक जुमे के रोज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि बारिश का 40% इम्कान है। हफ्ते को बारिश का 60% इम्कान है और ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 15 सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। इसके बाद इतवार और पीर को दर्जा हरारत 12 सेंटीग्रेड तक गिरने की तवक्को है। मंगल तक पूरे रास्ते में मजीद बारिश का इम्कान है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक शहर का इस हफ्ते का मौसम गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, जब दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जा सकता है। शाम की एक फौजी अकेडमी में ड्रोन हमले में 100 से ज्यादा अफराद जाबहक हो गए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। शाम की एक फौजी अकेडमी में ड्रोन हमले में 100 से ज्यादा अफराद जाबहक हो गए। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक शाम के वजीर दिफा हमले से कुछ देर कबल ही ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत के बाद एकेडमी से निकले थे। शामी वजारत के जारी करदा बयान में कहा गया है कि दहशतगर्दाना हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और इसमें फौजी और सिविलियन की बड़ी तादाद लुक्मा अजल बन गई। 12 साला खाना जंगी के दौरान ये ड्रोन हमला सबसे मोहलिक तरीन है और इसमें शामी फौज को निशाना बनाया गया है। शामी वजारत दिफा के मुताबिक दहशतगर्दाना हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और इसमें फौजी और सिविलियन की बड़ी तादाद जान से हाथ धो बैठी। फौजी एकेडमी पर हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी ग्रुप ने नहीं उठाई है और ना ही हुकूमत की तरफ से किसी का नाम लिया गया है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।